हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ए की ब्यूटी अफेयर। दिस इज अक्षता हियर एंड आज हम करने वाले हैं ये लवली सा यू नो इजी पीजी सा शिमर वाला ग्लैमरस लुक फॉर ईद स्लैश रक्षाबंधन के लिए। सो हाउ आई गॉट दिस लुक, प्लीज़ बी विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बिफोर लाइक यू नो वी स्टार्ट, आई एम गोइंग टू डू माई आईब्रोज ऑफ कैमरा एंड आप देख सकते हैं मैंने मेरे आईलिड्स को प्राइम कर रही हूँ। सो पहले आई मेकअप करेंगे अच्छे से एंड आईब्रोज को क्लीन करूँगी। सारे प्रोडक्ट्स के डिटेल्स और शेड नेम्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। आफ्टर सेटिंग माई आईलिड्स विद द कंसीलर एंड पाउडर हम मूव करेंगे आई मेकअप के लिए। यहाँ पे मैं फॉरएवर 52 का आई मेकअप पैलेट यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से उसमें से एक पीची सा शेड है, लाइट शेड बेज कलर का, उससे पहले अपने आईलिड्स को सेट कर रही हूँ और फिर मैं अच्छे से उसमें से जो रोज़ी पिंक शेड है उसको लूँगी। डार्क रोज़ी पिंक दिख रहा है ना आपको, वो शेड लूँगी, विच इज़ लिटिल बिट मजंटा भी बोल सकते हैं आप उसको, बट लाइट शेड है थोड़ा सा। तो उसको अच्छे से पहले आउटर वी में देख रहे हैं आप डिपॉजिट कर रही हूँ और फिर उसी को अच्छे से इनर कॉर्नर्स तक लेके आऊँगी। एंड ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज आई ऑलवेज सेड, अच्छे से उसी शेडो को प्रॉपरली इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर तक प्रॉपरली ब्लेंड करूँगी। यू कैन सी द वे आई एम शोइंग इट इन द वीडियो, आप देख सकते हैं मेरे बोलने से ज़्यादा आई थिंक द वे आई एम मूविंग माई ब्रश एंड ऑल्सो लाइक यू नो जिस हिसाब से मैं ब्लेंड कर रही हूँ आप वो देख कर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आई विल बी डूइंग दैट टिल द टाइम आई एम हैप्पी। Once that's done, I'm going to take that slight peachish shade, matte shade है ये भी, तो उसको अच्छे से without cutting my crease, उसको crease area में जहाँ पर मुझे proper चाहिए वो shade, वहाँ पर अच्छे से flat shade help की brush की help से अच्छे से pat करूँगी। Once that's done, I'm going to take the same palette, आप देख सकते हैं I'm taking so much of time in blending both the shades together, ताकि सारे blended लगे अच्छे से और हार्श लाइंस ना लगे। फिर ये जो रोज़ गोल्ड दिख रहा है ना गाइज, ये शिमर पहले मैंने ये ब्रश से ट्राई किया जहाँ पे हमने क्रीज को कट किया था ना, वो बेज शेड से ऑरेंजिश पीची शेड से, उसको फिंगर्स की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। क्योंकि ये जो है ना जो रोज़ गोल्ड ग्लिटर जो मैं बोल रही हूँ इट्स स्लाइटली डिफरेंट बट आई एम इन लव विद दैट, फिंगर की हेल्प से तो बहुत अच्छे से अप्लाई हो रहा है। आप देख सकते हो कंप्लीट आई लुक ही चेंज हो गया यूजिंग दैट ग्लिटर, इट्स दैट गुड, आई एम एक्चुअली लविंग इट। एंड आफ्टर दैट सब शेड्स को अच्छे से मैं ये करूँगी ब्लेंड यूजिंग अ फ्लफी सेम ब्रश। स्लाइटली मैंने डार्क ब्राउन शेड भी वही पैलेट में से यूज़ किया है गाइज और दोनों को ब्लेंड किया है टू गिव लिटिल वॉर्म्थ। देन यहाँ पे स्विस ब्यूटी का जेल आईलाइनर ये ले रही हूँ मैं, और गाइज वो ब्राउन वाला क्लिप मिस हो गया, स्किप हो गया मेरे से, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट येस इट्स द सेम ब्राउन फ्रॉम दैट पैलेट। विंग के लिए आप देख सकते हैं मैं एक एंगुलर ब्रश ले रही हूँ अच्छे से, पहले सेंटर दोनों आईलिड जो आपने आए एक्चुअली जहाँ पे एंड होता है ना वहाँ से सेंटर से लूँगी, ड्रैग करूँगी एंड देन अंदर की तरफ लूँगी। नाउ विल मूव ऑन टू अवर फेस बिफोर वी कंप्लीट आवर आईज। फेस के लिए मैं मेरे यहाँ पर ग्रीन टी का अच्छे से मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ, अच्छे से अप्लाई करूँगी। Once that's done, I'm going to use my skin shade concealer. ये LA Pro का है guys, amazing है। इसके reviews पता नहीं क्यों इतने bad है और Nykaa का when I've checked, but when I'm personally using it, you see मेरे chin पे कितने spots थे, सब कुछ hide हो चुका है using just this concealer. Primer का clip skip हो गया guys, मैंने primer भी लगा लिया था पहले, अब यहाँ पर L'Oreal का True Match foundation लगा है which is amazing, gives you lovely glow. हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है वो, और हाइलाइटिंग कंसीलर भी लगा लिया मैंने स्विस ब्यूटी का सेम। क्रीम कॉन्ट्रा करूँगी आज टू गिव लिटिल बिट डिफाइन लुक टुडे। उसको ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे पाउडर की हेल्प से पूरा फेस अच्छे से सेट कर लूँगी। यू सी हाउ आई एम सेटिंग माई फेस, पैटिंग मोशन में अच्छे से ब्रश को पैट पैट करते हुए पूरे फेस को सेट करेंगे। यू कैन ऑल्सो यूज अ लूज पाउडर हियर बट टुडे आई प्रिफर कॉम्पैक्ट। And I'm also going on the cream contour as well. Cream contour को set करने के लिए मैं यहाँ पर मेरी powder contour use करूँगी from Root Cosmetics. You see, पहले हमेशा product को place करो और फिर उसको अच्छे से up and down motion में और circular motion में blend करना है, making a fish face as I'm showing it in the video.
नाइस. देन मैं यहाँ पे ब्लश के लिए TFF का ये ब्लश पैलेट यूज़ करूँगी, विच इज़ अगेन वन ऑफ माई फेवरेट्स. दोनों शेड को मिक्स करके अच्छे से ब्लश लगाऊंगी. बिकॉज आईज में पिंक है, सो वी थॉट यू नो वी शुड गो विद पिंकी ब्लश एज वेल. सो यू कैन सी हाउ आई एम अप्लाइंग द ब्लश एज वेल नाइसली विद स्माइल ऑन योर फेस. आफ्टर दैट विल बी मूविंग ऑन टू अ लोअर लैश लाइन. उसके लिए सेम वो एक ही रोजी पिंक जो शेड था गाइज, उसी को लेके सिर्फ मैं स्मोक आउट कर रही हूँ अच्छे से, बाकी और कुछ भी शेड नहीं लगाऊंगी. सो देन यू सी सेम ब्रश लिया है मैंने, जो फ्लैट ब्रश था उसी से मैं लगा रही हूँ. आफ्टर दैट एलन ब्लू की ब्लू क्रेयॉन जेल एलन काजल यूज़ कर रही हूँ ब्लू में, बिकॉज थोड़ा कलर चाहिए था मुझे इन टू माई आईज, सो स्लाइटली ब्लू काजल यूज़ किया है मैंने. देन आई हैव ऑल्सो अप्लाइड मस्कारा ऑन माई लोअर लैशेज. लिप लाइन कर रही हूँ कलर वाल की लिप लाइनर से अच्छे से. After lining my lips, I'm going to use a Ruby Woo from MAC lipstick. I know it's a red tone. You will see how I am mixing two lipsticks and making a different color completely. अच्छे से lip line कर लिया. Ruby Woo ले रही हूँ. MAC की mini lipstick है ये. This is my birthday gift given to me by my sister last year. अच्छे से apply करने के बाद यहाँ पे Darling Isabella की lipstick है मेरे पास, bullet lipstick. उस वो प्रॉपर एग्जैक्टली यू नो लाइट पिंक शेड है, उसको अच्छे से लगाऊंगी ऑन दैट, टॉप इट ऑफ करूंगी. एंड आफ्टर टॉपिंग इट ऑफ फिक्स प्लेस सेट करेंगे अपने एंटायर फेस को. यू सी द शेड इज कम्प्लीटली चेंज, इट्स लुकिंग लाइक डार्क रानी पिंक नाउ. फिक्स प्लेस सेट करने के बाद सेम आई शेडो पैलेट में से हाईलाइटर लूंगी मैं, वो गोल्ड शेड जो है. ब्राउ बोन को हाईलाइट करूंगी, यूजुअल मेरे हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करूंगी अच्छे से. एंड आई लव दिस पैलेट क्या हाईलाइटर, यू नो एक्चुअली दोज आर आई शेडोज बट दे रियली वर्क वेरी वेल एज हाईलाइटर्स एज वेल. यू सी ब्लिंग ऑन. और ईद और रक्षाबंधन पे सबको अच्छा लगता है यू नो, और विद माई ज्वेलरी एंड एवरीथिंग दैट्स द फाइनल लुक. दे बिंदी के साथ है यानी रक्षाबंधन के लिए परफेक्ट लुक दिखेगा. एंड उम्मीद करती हूँ आपको लुक अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. एंड येस डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम गाइस, क्योंकि वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ मोर देन यूट्यूब. सो शो सम लव देयर इज़ वेल. एंड लाइक यू नो गाइस, ये लुक ज़रूर रिक्रिएट करोगे तो मुझे टैग करना मत भूलिएगा. ऑल्सो विदाउट बिंदी ये लुक कैसे लगता है वो मैं भी आपको दिखा रही हूँ, ताकि आप ईद के लिए ये लुक रिक्रिएट कर सकते हो. सी वेरी ईजी पीजी. एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड टिल माई नेक्स्ट वीडियो गाइज. See you all. Bye.